हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल हॉगवर्ट्स हैरी पॉटर। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं नेविल लॉन्गबॉटम एंड द ब्लैक विच के बारे में। तो गाइस, एक रात जब बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज को पता चला कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने लिली पॉटर और हैरी पॉटर के पापा जेम्स पॉटर को मार दिया है, तो वो नेविल लॉन्गबॉटम के घर के खिड़की के पास झांकती है और तभी वो उधर से उड़नचू हो जाती है। और सुबह जब एलिस लॉन्गबॉटम और फ्रैंक लॉन्गबॉटम बात करते रहते हैं, तो एलिस लॉन्गबॉटम बोलती है कि कैसे नेविल लॉन्गबॉटम ने कल रात फिर से जादू से अपनी टॉय को हवा में उड़ा दी थी। और तभी फ्रैंक लॉन्गबॉटम खुश हो जाते हैं और बोलते वाओ, बहुत अच्छे मेरे बेटे। तो तभी एलिस लॉन्गबॉटम को वो कहते हैं कि डंबलडोर ने बोला कि मुझे जल्द से जल्द आना होगा क्योंकि एक मीटिंग है। और ऐसे बोल के वो वहाँ से निकलने वाले थे कि वो सुनते हैं उस रेडियो में जहाँ की बताया जा रहा था कि कल रात क्या हुआ और लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने हैरी पॉटर के माँ बाप लिली पॉटर और जेम्स पॉटर की कैसे हत्या कर दी। और तभी वो बोलते हैं एलिस लॉन्गबॉटम फ्रैंक लॉन्गबॉटम से कि क्या तुम डार्क विजार्ड्स को मेरे बिना संभाल पाओगे। तो वो नहीं। तभी वो फॉरबिडन फॉरेस्ट होके जाएं, इसीलिए वो फॉरबिडन फॉरेस्ट के पास पहुँचते हैं और वहाँ ही चलने लगते हैं अपने रास्ते। तभी वो कुछ देर के लिए रुकते हैं और इधर उधर देखते हैं। तभी उसी समय उनको लगता है कि कुछ है और वो देखते हैं तो उन्हें मिल जाता है एक डेथ ईटर। तभी वो एक मंत्र फेंकते हैं और पीछे से दो और डेथ ईटर आ जाते हैं। वो गुप्त मार्ग की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन गुप्त मार्ग को बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज गायब कर लेती है और उनकी छड़ी भी मौके देख के ले लेती है। और तभी पूछती है कि डार्क लॉर्ड कहाँ है, बता दो, क्योंकि बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज को पता नहीं था कि डार्क लॉर्ड नष्ट हो चुके थे। और तभी डंबलडोर कर चिट्ठी आती है एलिस लॉन्गबॉटम के पास कि फ्रैंक अभी तक मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं, हमने ऑरर्स को भेज दिया है उनको खोजने के लिए, आप जहां हैं वहीं रुकिए। तभी बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज उनके ऊपर क्रूसियो का यूज़ करके उन्हें बोल रही थी कि बताओ कि लॉर्ड कहाँ है, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट कहाँ है, बताओ वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। पर फ्रैंक लॉन्गबॉटम बोले मुझे नहीं पता, यानी कि मैं नहीं बताऊँगा। वो अपने बात पे डटे रहे और तभी बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज उनके ऊपर पीड़ित सांप का यूज़ करती है और उन्हें पूरी तरीके से पागल कर देती है। तभी गेट पे कोई आता है और एलिस लॉन्गबॉटम डर जाती है। फिर पता चलता है कि वो अगस्त का है, नेविल की दादी। तभी वो डंबलडोर की चिट्ठी उन्हें देती है और वो बोलते हैं तुम कहीं नहीं जाओगे। तो वो बोलती है वो मेरे हस्बैंड है, और अगस्टा बोलती है वो मेरा बेटा भी है। तो वो बोलती है ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे बेटे को बचाने जाती हूँ। और नेविल को बोलते हैं वी लव यू बोल के। वो अगस्टा से कहती है कि नेविल का ख्याल रखना और चली जाती है फॉरबिडन फॉरेस्ट। और वो भी फॉरबिडन फॉरेस्ट पहुँचती है और वो इधर उधर देखती है और उसको एक पेड़ के डाल में दिखती है एक, यानी कि फ्रैंक लॉन्गबॉटम का मफलर। और तभी वो मफलर के पास जाती है और फ्रैंक लॉन्गबॉटम की बॉडी दिखती है जहाँ की एक डेथ ईटर पहन के बैठा हुआ था। तभी एक डेथ ईटर को वो घायल करती है, तभी और एक डेथ ईटर उसे पकड़ लेता है। और तभी कुछ और उसे बचाने भी आते हैं और वो लोग चूमंतर होकर बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज के पास चले जाते हैं। और तभी नेविल बहुत रो रहा होता है, वो कहते हैं कि ये देखो ये तो तुम्हारा फेवरेट फ्रॉग है, इसे पकड़ो। और तभी वो बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज के पास उसे ले जाती है और वो देखती है फ्रैंक को और उसके पास दौड़ी चली जाती है और बोलती है फ्रैंक उठो उठो, लेकिन वो नहीं उठता बिकॉज उसके ऊपर पीड़ित का यूज हो चुका था। और तभी बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज आती है और उसे भी पूछती है एलिस लॉन्गबॉटम को कि डार्क लॉर्ड कहाँ है, मुझे बता दो। तो बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज को उसका भी सेम जवाब था जैसे कि फ्रैंक लॉन्गबॉटम का था, मुझे नहीं पता, यानी कि मैं भी नहीं बताऊंगी। तो उसने कहा तुम्हें भी मरने का बहुत शौक है अपने इस पति के जैसे। तो ऐसे कह के वो पूछती रहती है बता दो क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा एक बेटा भी है, नेविल लॉन्गबॉटम बहुत ही अच्छा भी है ना। और वो बोलती है फिर भी नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। और इतना कह के वो अपने आंसर पे डटी रहती है और बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज उसके ऊपर भी पीड़ित सांप का यूज़ करती है और इतना यूज़ करती है कि उसे भी फ्रैंक लॉन्गबॉटम जैसे तड़पाती है। उधर एलिस लॉन्गबॉटम बहुत ही
घिनौनी तरीके से तड़प रही थी, और उधर ही नेविल लॉन्गबॉटम भी बहुत ही बुरी तरीके से रो रहे थे। और तभी उनके ऊपर इतना क्रूसियो का यूज हुआ था कि वो फ्रैंक लॉन्गबॉटम की तरह पागल हो गए थे। और तभी जैसे ही वो गिरे, तभी उसी वक्त थोड़ी ही देर के बाद डंबलडोर और कुछ ऑरस आते हैं और सारे डेथीटर्स को पकड़ जाते और उन्हें ले जाते हैं, और डंबलडोर देखते हैं और उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाते हैं। और जब हॉस्पिटल आता है तो फिर एक आदमी पढ़ रहा होता है दैनिक जादूगर, और उसमें दिखाया गया होता है कि कैसे सारे डेथीटर्स को अस्कबान भेज दिया गया था। और तभी एलिस लॉन्गबॉटम और फ्रैंक लॉन्गबॉटम को हॉस्पिटल में रखा गया था, और वो कैसे कुछ होश में नहीं थे। और तभी एलिस लॉन्गबॉटम ठीक हो चुके थे थोड़े बहुत, और तभी अगस्टा आती हैं और डंबलडोर पूछते हैं कि कैसे हैं वो लोग, तो वो बोलते हैं कि थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट है लेकिन इतने भी नहीं। तो नेविल बड़े होते तक अपने माँ बाप को ऐसे ही देखा, और अगस्टा बोलती है चलो जल्दी नेविल, और ऑगस्ट के लिए देरी हो रही है, और वो जो देती रहती है उसे फेंक दो कहा, लेकिन उसने नहीं फेंका उसको घर में रखा। और जाते जाते अगस्टा ने कहा कि ट्रेवर का ध्यान रखो इतने, और इतना कह के वहाँ से वो हॉगवर्ट्स के लिए निकल जाते हैं। थैंक्स फॉर